मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 39 उम्मीदवारों के नाम है। इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद और 1 महासचिव को टिकट दिया गया है। हम दिखा रहे हैं आपको, मेरी एक तरफ आप देख रहे हैं वो कौन कौन से दिग्गज हैं जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर, दिल्ली से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, वो केंद्र में कृषि मंत्री है। प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते भी केंद्र में मंत्री हैं, इन दोनों को भी टिकट दिया गया है। राकेश सिंह, रिति पाठक, गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतार दिया है। हम आपको मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का पिछले कुछ चुनावों में जो प्रदर्शन रहा है वो भी दिखा रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। बीजेपी ने दिग्गजों और सूरमाओं को टिकट दिया तो कांग्रेस ने हमला किया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को हार नजर आ रही है। जिन्हें संगठन संभालने का जिम्मा था उन्हें चुनावी समर में उतार दिया गया। जिन्हें चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी मिली थी उन्हें चुनाव में उतार दिया गया। जो केंद्र में शक्तिशाली मंत्रालयों के स्वामी थे उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को सच में गर्व हो, मगर इससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले ने मध्य प्रदेश में हलचल मचा दी है। बीजेपी की लिस्ट में 39 नाम है, लेकिन 8 नामों को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा है। उसमें पहला नाम है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। पार्टी ने उन्हें दिमनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। दूसरे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जिन्हें नरसिंहपुर सीट से टिकट मिला है। तीसरे हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जो निवास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये 3 केंद्रीय मंत्री हैं। इनके अलावा बीजेपी ने सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह को भी विधानसभा उम्मीदवार बनाया है। अब सवाल यह है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ेंगे? जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिसपे जंग लग गया है। जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी, जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूँ। त्रस्त और पस्त भाजपा का चेहरा अब सामने है। हारी हुई भारतीय जनता पार्टी ने अब 2 बातें स्वीकार कर ली। 18 साल में भाजपा सरकार का काम नगण्य है, 18 साल में शिवराज का नाम भी नगण्य है। दूसरी लिस्ट में जिन नेताओं का नाम है उनमें से कई ऐसे हैं जो सीएम पद की दावेदारी रखते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में कैबिनेट मंत्री, देश का कृषि विभाग इन्हीं की देखरेख में चलता है। मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पर ही चुनाव लड़ाने और प्रचार अभियान चलाने का जिम्मा रहा है। मगर मसला सिर्फ इतना नहीं है कि तोमर को टिकट दिया गया, मसला ये है कि जैसे ही टिकट मिला नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक जश्न मनाने लगे। संदेश दिया जाने लगा कि अगर तोमर जीते तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज नहीं तोमर होंगे। तोमर से सवाल किया गया, पहले तो चुप्पी साध गए। आपका नाम आया सर टिकट में? नहीं है। प्रतिक्रिया सर, क्योंकि आखिर क्या वजह है सर कि भारी भरकम केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को टिकट दिया गया सर? दोबारा बोले तो कहा, पार्टी का आदेश सर माथे पर, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। तोमर से ही सवाल किया गया कि केंद्र सरकार में मंत्री होने के बावजूद चुनाव लड़ने उतरे हैं, क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है? जवाब सुनिए। कोशिश कर रहे हैं,
क्या क्या भाजपा को क्या डर सता रहा है क्या आज सभी केंद्रीय मंत्रियों को दे दिया? कोई डर नहीं है यार। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है इसलिए सब कर रही है। भाजपा जीत रही जीत रही 100% भाजपा। केंद्रीय मंत्रियों को सांसदों को खैर तोमर से आगे आइए कैलाश विजयवर्गीय तक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से चुनाव प्रभारी थे यानी सारी तैयारी और चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी थी, मगर इन्हें भी चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप हमेशा से देखते हो कि रणनीति में कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है। ये हमारा हम लोग बार बार कहते हैं, कई बार आप लोगों को लगता होगा लेकिन इससे साबित हो गया कि नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता सारे लोग हैं, कोई मंत्री है कोई सांसद है। विजय वर्गीय असमंजस में थे मगर कार्यकर्ता नहीं है। टिकट मिलते ही समर्थक नारेबाजी करने लगे, सीएम विजय वर्गीय होंगे। हमारा सीएम कैसा हो, कैलाजी कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, कैलाजी कैसा हो। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी की लिस्ट पर तंज किया, लिखा हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण अहिरावण मेघनाद सबको उतार दिया था, बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। सभी यहीं के कैडर हैं ना, और भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता चाहे कैबिनेट मंत्री होंगे या प्रदेश के अध्यक्ष होंगे या मंत्री होंगे या सांसद होंगे, सब कार्यकर्ता हैं। तीन मंत्री नहीं है, तीन मंत्री के साथ कई सांसद हैं और राजनीति में अंतर्ध्यान हो चुके। जो कह रहे हैं भाई मैं तो सक्रिय राजनीति से हिस्सा नहीं ले रहा, तो विजय वर्गीय जी को इसलिए उतारा गया है कि दीवार पर लिखी हुई इबारत तीन बार अमित शाह जी गए पढ़ ली उन्होंने। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में हार का डर है इसीलिए हलचल मची है। किसकी जीत होगी किसकी हार ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम का सस्पेंस सियासत को धारदार बना रहा है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजिलें नहीं बन रही, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। न पक्ष न विपक्ष, न लेफ्ट न राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।